दोस्तों, अभी आप जिस ट्रेन को वीडियो में देख रहे हो, ये एक ऐसी वंदे भारत ट्रेन है जो कि उन सभी लोगों के लिए बनाई जा रही है जो लोग वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में लगने वाले महंगे किराए को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो उन सभी लोगों के लिए इस नई वंदे भारत ट्रेन को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पर इंडियन रेलवे का ये प्लान है कि लोअर मिडिल क्लास लोग और अपर क्लास कैटेगरी के जो लोग होते हैं उन दोनों के लिए अलग अलग प्रकार की वंदे भारत ट्रेन को चलाया जाएगा। तो यानी कि जो लोग वंदे भारत ट्रेन के महंगे टिकट को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनके लिए अब साधारण वंदे भारत ट्रेन्स को चलाया जाएगा। तो यानी कि जो साधारण वंदे भारत ट्रेन में लगने वाला किराया है वो काफी ज्यादा कम आपको देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बाद एक बड़ा सवाल होता है कि कम किराया होने के कारण जो साधारण वंदे भारत ट्रेन में मिलने वाली सुविधाएं हैं, क्या वो सभी सुविधाएं वंदे भारत ट्रेन जैसी मिलेगी या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि इस नई ट्रेन को साधारण वंदे भारत ट्रेन के नाम से तो जाना जा रहा है, लेकिन इस ट्रेन में आपको कम किराए में लग्जरी फैसिलिटीज मिलने वाली है। फॉर एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, आपको इस ट्रेन के अंदर जनरल ट्रेन की तरह लकड़ी वाली सीटें देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि साधारण वंदे भारत ट्रेन में आपको काफी ज्यादा लग्जरी सीट देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस ट्रेन में आपको वैक्यूम टॉयलेट, पैसेंजर इन्फॉर्मेशन सिस्टम, इसके अलावा हर सीट पर आपको चार्जिंग पॉइंट भी देखने को मिल जाएंगे और हर कोच यानी कि हर डब्बे में आपको सीसीटीवी कैमरा की भी सुविधा देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इंडियन रेलवे के एक अधिकारी के द्वारा अपने नाम को गुप्त रखकर इस ट्रेन के बारे में सभी जो जानकारी है वो दे दी गई है। तो बेसिकली ऐसा बताया जा रहा है कि इन ट्रेन्स को उन सभी मजदूरों के लिए चलाया जाएगा जो कि काम की तलाश में अपने स्टेट को छोड़कर दूसरे स्टेट में काम करने जाते हैं। ऐसे में जिन रूट पर मजदूर ट्रेनों में काफी बड़ी संख्या में ट्रेवल करते हैं वहां पर सबसे पहले इन साधारण ट्रेन्स को चलाया जाएगा। आपको बता दूं कि इन साधारण वंदे भारत ट्रेन में आपको एसी की सुविधा देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि ये एक नॉन एसी ट्रेन होने वाली है। ऐसा इस कारण देखने को मिलता है क्योंकि इस नॉन एसी ट्रेन को मैन्युफैक्चर करने में केवल 65 करोड़ का खर्च आता है। लेकिन अगर बात करें वंदे भारत ट्रेन के बारे में तो एक वंदे भारत ट्रेन को मैन्युफैक्चर करने में लगभग 100 करोड़ तक का खर्च आता है। और मैं आपको बता दूं कि इस ट्रेन का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो खास तौर से यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा जैसे स्टेट में रहने वाले लोगों को होगा। तो वेल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।